वहाँ पे इमली बेर सब है, मेरा चीड़े भाजा मूढ़ी। देखो यहाँ पर भी कुछ कुछ लोग खड़े हैं, आई डोंट नो ये लोग भी कुछ जलाने वाले हैं या नहीं। फायर क्रैकर्स ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा हुआ, और आज ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम लोग पहाड़ पर चढ़े थे और अभी उतर गए और जा रहे घर। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। टाटा, बोल दो टाटा। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे पता नहीं पता है, तो चलो थोड़ा सा सामने का जो लाइटिंग की है ना वो दिखा देते। ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाऊंगी नहीं, रात हो गया, 12 बज रहा है, 12 से ज़्यादा हो गया एक्चुअली। तो ये देखो, ये है हमारे घर का डेकोरेशन, ये वाला जो दिख रहा है, ये लाइट ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा बहुत लगा दिए। तो चलो कल सुबह। आज का जो वीडियो है, एक मिनट मास्क हटा लेती हूँ, बहुत सारा सामान है हाथ में। सो आज का जो वीडियो है ये दो अलग अलग दिन में बन रहा है। इसके पहले आपने देखा कि न्यू ईयर जो है, एक सेकंड में यहाँ खड़े होकर बोल देती हूँ, इसके पहले आपने देखा कि न्यू ईयर नाइट का तो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, उसके बाद वाले दिन हम लोगों को निकलने का प्लान था लेकिन नहीं निकले हम लोग। सो कुछ दिन के बाद ये वाला वीडियो बन रहा है। तो मैंने जो सोचा कि दोनों वीडियो को साथ में मिला दिया जाए और एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड वापस से, सिटी सेंटर, और यहाँ पे मुझे जाना है इंडियन स्टोर, इंडियन ग्रॉसरी लेने। सो हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे रीडिंग। हाँ, इतने अच्छे अच्छे पियानो है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो ब्लैक ये वाला शॉप। सो हम लोग रीडिंग जाने वाले थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे इंडियन शॉप्स हैं। सो लेकिन वाला प्लान ड्रॉप कर दिया ऑक्सफोर्ड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑक्सफोर्ड का इंडियन ग्रॉसरी स्टोर शॉप, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जितने भी ग्रॉसरी रिलेटेड मैंने वीडियो डाले वो सारे आप लोगों ने बहुत पसंद किए, तो मैंने सोचा कि अब मैं जा रही हूँ तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो हम लोग एक्चुअली GPS देख देख के मैं जा रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि हम लोगों को रास्ता पता नहीं है। एक सेकेंड, हम लोग उल्टे रास्ते में निकल गए, हम लोगों को उस साइड से घुसना है, यही हो रहा है एक्चुअली। वीडियो भी बना रही हूँ, रास्ता भी देख रही हूँ। तो चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पहले पहुँच जाते हैं उसके बाद मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट एरिया है, तो यहाँ पे जो भी लोग एशियन कंट्री से है उन लोगों को स्पाइसेस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कुकिंग के लिए, क्योंकि हमारा फूड हैबिट, हमारा फूड रेसिपीज़ वो सारे डिफरेंट होते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो लोग यहाँ पे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, उन लोगों के लिए काम आएगा वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑक्सफोर्ड में
इंडियन ग्रॉसरी में क्या क्या मिलता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो चलो साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो स्टोर में पहुँचते हैं, उसके बाद मैं वापस से वीडियो ऑन कर दूँ। चलो आ गए हैं, पीछे ही है, अभी मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मसाले वसाले थोड़े बहुत लेने हैं, वेजिटेबल्स जो मिलेगा अगर कुछ इंडियन वेजिटेबल्स तो ले लूँगी। तो ये देखो ये दोनों देखने के लिए लग गए, गिटार और ये सब रखा इंस्ट्रूमेंट्स वही सब देख रहे हैं। तो ये देखो ये वाला एरिया मैं आपको दूसरे तरफ से दिखाती हूँ, आपको अंदाजा आएगा। सो ये वाला जो जगह है ये पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि एशियन शॉप्स जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखो ये जगह कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर आप लोग आ रहे हो ऑक्सफोर्ड में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर इंडिया से या एशियन कंट्री से आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगा। ये देखो ये आपको दिख रहा है रेड वाला, ये है तामिल स्टोर, तो इसके अंदर जाने वाले। इसके जस्ट सामने में एक इस तरीके का गिटार और ये इंस्ट्रूमेंट का शॉप है और हम लोग आए हैं ये वाले रास्ते से। तो चलो अंदर चलते हैं स्टोर के और देखते हैं क्या क्या मिलता है। चलो ये है स्टोर का नाम। यहाँ पे इमली बेर सब है। आइसक्रीम चाय सब यहाँ पे देखो, मुझे बेर दिख रहे हैं। बेर है देखो, सूखा बेर लम दिख रहा है। यहाँ पे देखो अच्छी हल्दी वाली, देखो सामने से इसका प्राइस है 10.99 पेंस मेरे ख्याल से 1 kg का। ये देखो मेरे पापा तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ से एक उठाने वाली हूँ। काफ़ी दिन के बाद मुझे मिला ये, बॉईल करके खाओ, चिप्स बना के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। रोशन नहीं, नहीं मैं रोशन कैसे करूं? ठंड के मौसम में कच्चे कच्चे वाले आम बिल्कुल बहुत। तो ये देखो, देखो ये है आम 5.99 पेंस का पर केजी। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स काफ़ी सारे हैं। ये देखो ये है, हम लोग बंगाली में बोलते हैं इसको गोंधो लेबू, गोंधो लेबू है, इसको जारा लेबू चाहिए बोलते हैं, 9.99 पेंस का है शायद पर केजी होगा। तो ये भी मैं लेने वाली हूँ। तो चलो यहाँ से ये दो शेम, ये भी है 7.99 पेंस का पर केजी। मैंगन है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, करेला भी है, करेला है यहाँ पे 9.99 पेंस का पर केजी, अच्छे के करेले देसी वाले। भिंडी, भिंडी का प्राइस है 6.99 पेंस पर केजी, अच्छी भिंडी है। मेथी, मेथी एक बंच 99 पेंस का है। ये देखो जी सरसों का साग है, दो गड्डी 1.80 पेंस का है ये सरसों का साग। का यहाँ से मैं उठाती हूँ वेजिटेबल और फिर मिलती है। ये देखो पपीता, कच्चा पपीता 6.99 पेंस का है 1 kg का। तो तीन महीने, तीन चार महीने बाद Thank you.
मैंगो तो मुझे लेना ही है। লেবু তো এমনিও বাড়িতে আছে। ইয়ে মেরা ফেভারিট হিসকে লিয়ে মিসকো খুব সে দিখা রা তো জলেবি ভাই প্রাইস है यहाँ पर, लेकिन देखो तो इतने सारे स्वीट्स है। ये है कलरफुल स्वीट्स, किया कलरफुल स्वीट्स मिक्स मिठाई 2.69, मेरे ख्याल से सबका सेम ही प्राइस है। ये देखो लड्डू फेवरेट मोती चूर के लड्डू रसगुल्ला, ये है पंतुआ गुलाब जामुन काला जामुन। ये देखो बाप रे कौन छोड़ू कौन लूं, मैं तो लगता है ऊपर वाले सेक्शन में ही जम जाऊंगा, बस खाती रहो। माय गॉड सोया बर्गर बिकॉज शी वॉन्ट कलरफुल स्वीट, सो हमने ये वाला लिया है उसके लिए। इसमें सारे मिक्स है, मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन के। और मेरे ख्याल से प्राइस सब का सेम है। तो देखो यहाँ पे ये सुपारी सुपारी वगैरह मिलती है, फ्रूट्स है, कोकोनट फ्लेवर्ड फ्रूट्स। और ये देखो डेलिशा अपने भूनने लग गई है, अपने से मतलब है उसको। क्या है वो बेटू? ये तो बबल गम तुम्हें खेते पड़ गए ना, तुम्हें लॉलीपॉप ना, लॉलीपॉप ना कम यार। सो ये देखो ये सारे ग्रॉसरी पर, यहाँ पे एक्चुअली राइस वगैरह भी है, तो चल आगे दिखाती हूँ। तेतुल चटनी ये जो है वाला 17.99 का है, राइस का पैकेट या बासमती राइस, नॉर्मल राइस, नॉर्मल राइस मतलब वही सोना मसूरी राइस, सब कुछ मिल जाएगा। जूस का सेक्शन थारू अच्छा और बाकी सब अंदर से एप्पल पापड़ नान अफगानी नान काफ़ी फेमस है। ओ पानी पूरी चाट पापड़ी नेस्ट जैसा सेवई के अंदर ये डाल के बनाते हैं। अच्छा बासमती राइस है, ब्राउन राइस है, रेड ब्राउन राइस है, ये देखो इडली राइस है। इडली राइस मुझे लेना है यहाँ से। इडली राइस खा नहीं खत्म हो गया। अगर आप आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से कहीं से भी, तो काफ़ी सारे जो हमारे देश में जो मिलते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। स्पेशली स्टूडेंट के लिए बता दो, फूडिंग राइस है, खीर वगैरह बन जाएगा। यहाँ पे ये सारे जो है मसाले हैं, भिंडी मसाला, मटर पनीर मसाला, शाही मेथी मटर, काफ़ी सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के मसाले हैं। सैलड भी मिलेगा, मैगी मसाला, चिकन क्यूब सब है यहाँ पे। इस साइड में अगरबत्ती पूजा वगैरह का सामान मिल जाएगा यहाँ पे, इनसे रिलेटेड ब्रश ये सारी चीज़ें मिलेंगे। कोकोनट ऑयल ये मुझे एक लेना है, पैराशूट सिंपल वाला। नीम ऑयल भी है यहाँ पे, नीम ऑयल है।
मेहंदी जलीशा की कौन मेहंदी कौन मेहंदी मसाला डब्बा ये बड़े साइज वाला है मेरे पास, इससे थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा छोटा है। फिर देखो यहाँ पे गार्लिक पेस्ट, मैंगो फल, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है इसका। यहाँ पे कैन प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, जैकफ्रूट, यहाँ पे जैकफ्रूट भी है, मैंने देखा था, दिखाया, दिखाना भूल गई। ये तुम लोगों का फेवरेट जगह है, ये ले जो लेना, ये बेटी और टेटा का फेवरेट है मिक्सचर, ये दोनों मिक्सचर खाने के इच्छा है। नहीं ना देखो कितने सारे मिक्सचर की वैरायटीज है, देखो यहाँ पे ये सारे चकली भी है, यहाँ पे चकली, ये देखो मुरमुरा भी है, ये देखो सॉफ्ट राइस, मुरमुरा, मुरी, सेवैया है यहाँ पे, भगवान को चढ़ाने वाला प्रसाद भी है, कपड़ा मिल गए थे छोटा वाला, मद्रास पापड़, मद्रास पापड़ ये अच्छा लगता है मेरे को, मद्रास पापड़ छोटा छोटा वाला, ये ले लेते हैं, चिड़े भाजा, चूड़ा फ्राई, मुड़ी मवा, यहाँ पे फिश भी है, ये देखो फिश के प्राइजेस, यहाँ पे फ्रोजन वेजिटेबल, ये है फ्रोजन सेक्शन, ये दुकान वाला ना बेटू ऐसा की ये तो सूखी मछ नहीं है, तेरा दादू पे है ना, केच की मछ देसी हाँ, तो दादू पे है सूखी बटा ठीक पता कौन तो अब ये ना, ये है एक्चुअली बंगाली में बोलते हैं सूखी मछ, यानी कि हिंदी में जो बोलते हैं खड़ी मच्छी बंगाली बाबू, तो वही है, लेकिन जब ये बनता है ना तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट, बस बनाने के टाइम पे थोड़ा स्मेल आता है, लेकिन ऐसे बहुत टेस्टी लगता ही है, मुझे उतना नहीं पसंद, लेकिन जिन लोग खाते हैं जिनको पसंद है उनको बहुत अच्छा लगता ही है। ये सारे ड्राई फिशेस है, ये है बेसन ग्रैंड फ्लोर, ना दादू जी ने लिखा होगा ना, या दादू जी ने छुटकी मच की इनसे, मैंगो पिकल, तो ये वाला, ये सारे मसाले के सेक्शन पे, छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, खड़े मसाले, दाल सब मिल रहा है यहाँ पे, रागी फ्लोर, सोया फ्लोर, सेमोली मवाई, ये सब मिल रहा है, सेमोली मवाई, देखो ये है चिक्कीस, गेहूँ, इंस्टेंट मिक्स भी है यहाँ पे, ये देखो ये बड़े बड़े वाले पैकेट भी है, मिर्च के हैं, धनिया का, ये मद्रास करी पाउडर, ये सारा 5 kg वाला मसाला, चलो मैं यहाँ से सारा सामान लेती हूँ और तो इसके बाद आप लोगों से पूरा दिन, नहीं हो गया तो ये है मेरी शॉपिंग, ये एक बकेट, तो फाइनल मैं बताती हूँ कि कितना पड़ा मुझे ये सारा खरीद के। तो हम लोगों का शॉपिंग हो गया है डन, और वो पूरा ट्रॉली 2 प्लास्टिक हुआ था, और टोटल हम लोगों का लगा 53 pounds ना, वो पूरा बकेट जो है 53 pounds हम लोगों ने शॉपिंग किया, यहाँ से सब कुछ है, सब कुछ, काफ़ी कुछ लेना था लेकिन उठा के जाना पड़ेगा तो इसलिए ज़्यादा नहीं लिए, एक बकेट लिया है, और अब हम जा रहे हैं मॉल में, वहाँ से कुछ कुछ सामान लेना है, मतलब छोटा मोटा सा, और एक मैंने मैक का फाउंडेशन खरीदा था वो चेंज कराना है उसका शेप, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये स्टोर का इंडियन शॉप है, सब कुछ मिलता है, अगर आप स्पेशली हटा देती हूँ उसको, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, यहाँ ऑक्सफोर्ड में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे देश से, यानी कि एशियन कंट्रीज से, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉप है, और ये बिल्कुल सिटी सेंटर में ये वाला शॉप
नाम देख सकते हो पीछे सैंडविच स्टोर, तो खोज लेना इंडियन ग्रॉसरी नियर मी करके सिटी सेंटर में, वहाँ पे मिल जाएगा। और भैया का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिहेवियर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग अब से यहीं आने वाले हैं। हम लोग सोच रहे थे पहले रीडिंग जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पे मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। सो आई होप कि आज का ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सारे चीज़ों का मैंने रेट्स बताया, शॉप का जो है ये सिटी सेंटर में है, आप वेस्ट गेट से ज़्यादा नहीं, वेस्ट गेट शॉपिंग मॉल जाना, वहाँ से एक स्टॉप है ये वाला स्टोर, तो ज़रूर आना आप लोग। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।